ये मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो प्रतिभा? शिव, वो मैं मॉम हो गया क्या? अरे आप पापा का फोन स्क्रीन साफ कर रहे थे ना, हो गया? एक्चुअली पापा आपके फोन का स्क्रीन बहुत हेजी हो गया था, तो मैंने मॉम को कहा मिरर साफ करने वाले लिक्विड से आपका फोन का स्क्रीन भी साफ कर दें। हाँ, आपके फोन का स्क्रीन ही तो साफ कर रही थी। आपका ये स्क्रीन बहुत खराब हो गया था, मैंने अच्छे से चमका दिया, देखिए। बादवे हो क्या रहा है? अरे बोलो ना मोम। देख अनमोल, दो दिन बाद ना तेरे पापा और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसीलिए मैं उनके लिए कुछ स्पेशल पार्टी प्लान करना चाहती हूँ, जिसमें कि मैं उनके कॉलेज के दोस्तों को इनवाइट करना चाहती हूँ। पर किसी तरह उनके फोन से मुझे सिर्फ 3 लोगों के नंबर मिल पाए हैं, और ये भी नहीं पता कि वो लोग उनके क्लाइंट्स हैं या उनके फ्रेंड्स हैं। अनमोल, मुझे एक बात का डर लग रहा है कि कहीं मेरा सारा प्लान चौपट ना हो जाए। बस इतनी सी बात, अभी पता चल जाएगा उनमें से पापा का दोस्त कौन है। आपका कोई भी प्लान चौपट नहीं हो सकता। सच? कैसे? मेरी एनिवर्सरी का प्लान चौपट करके अपनी एनिवर्सरी की प्लानिंग, आप इसे जितना आसान समझ रही है ना, उतनी आसानी से मैं होने नहीं दूंगी दीदी। अब तो बस आप देखिए कैसे मैं आपकी इस ग्रैंड एनिवर्सरी पार्टी की बैंड बजाती हूँ। पापा के कॉलेज का नाम क्या था? हिंदू कॉलेज। पास आउट ईयर? 1996। और सब्जेक्ट्स क्या थे? बीकॉम। आप लोग के पापा का बायोडाटा बना रहे हो? अरे चिल, इस छोटे से बायोडाटा से मैं पापा के पूरे दोस्तों को ढूंढ निकालूंगा। पर कैसे अनमोल? सर्च इंजन पे। इंजन मतलब? मॉम, इंजन नहीं, सर्च इंजन। कोई इतना आउटडेटेड कैसे हो सकता है? आपको सर्च इंजन भी नहीं पता? उसे छोड़ो माँ, पहले आप नाम बताओ। हाँ हाँ, हरीश चावला। मिल गया। कौन मिल गया? मिल गया दीदी को नया आइडिया। बताइए मम्मी जी, अब कुछ दिखाई दे रहा है? अरे मेरा वो हाल मत कर, आंखों में नहीं है आंसू, दुख कैसे सुनाऊं सासू। आंख पे पट्टी बांध कर पूछ रही है दिखाई दे रहा है कि नहीं। वही तो। बस मम्मी जी ये समझ लीजिए कि दीदी का ये नया आइडिया भी हम लोगों की आंखों पर ऐसी पट्टी चढ़ाने के लिए ही है। मतलब क्या है तेरा? भाग जाने के प्लान पर पर्दा डालने के लिए दीदी अपने शादी के सालगिरह वाले दिन महेन भाई साहब के लिए एक बड़ी सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही हैं। पार्टी? कौन सोच सकता है कि एक पत्नी जो अपने पति के लिए इतनी बड़ी सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही है, जश्न के बीचों बीच अपने आशिक के साथ भाग जाने वाली है। अरे हाँ, बात तो तेरी सही है, पहले तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है दुमका वाली, और पराए मर्द के साथ छी। अरे ये भूत कब से चढ़ा है इसे? बस बहुत हो गया, मैं तो अब मुन्नो से जाके बात करूं। मम्मी जी आप शांत हो जाइए, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जल्दी ही कोई ना कोई ठोस सबूत ढूंढ निकालूंगी, क्योंकि बिना ठोस सबूत के दीदी फिर से कोई ना कोई वियर्ड कहानी बना लेंगी, और हमारे महीन भाई साहब तो इतने भोले हैं कि वो उनकी बात मान भी लेंगे कल रात की तरह। क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? कुछ नहीं, बस वो पापा ये लोग ना सर्च इंजन पे। एक्चुअली पापा, मैं मॉम को
कंप्यूटर और इंटरनेट यूज करना सिखा रहा था। हाँ, मैं सीख रही थी कंप्यूटर उससे। वाह प्रतिभा, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। अच्छा लगा जानकर। चलो चलो करो, तुम दोनों करो, अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं। गुड। अब हम मिस्टर हरीश चावला को मैसेज करेंगे और हमारी पार्टी के लिए इनवाइट करेंगे। ओ, मेरी इनोसेंट बच्ची, तेरी बात सुन के ना मेरा ये कॉफी पीने का भी मन नहीं कर रहा। मेरा भी नहीं। अच्छा देख, तेरा फोन ठीक हुआ या नहीं? जिसमें वो ठोस सबूत है। वक्त कम है इसलिए एक सबूत और हो सकता है। उतना ठोस तो नहीं लेकिन काम तो चल ही जाएगा तेरा। थैंक गॉड मामा, कुछ तो बचा है। मम्मी जी तो इतनी बेचैन हो रही है, वो तो वहीं भांडा फोड़ देती, फिर पार्टी के क्लाइमेक्स में मजा कैसे आता। परफेक्ट, क्लाइमेक्स तो बनता है पार्टी का। देख तू प्रतिभा का फोन उठा और उससे मोबाइल कंपनी को फोन करके उसका आइटमाइज्ड बिल मंगवा ले और सबको दिखा दे एकदम मौके पर। फिर तो सबको पता चल जाएगा कि वो उस गैर मर्द से कितनी बातें करती है, समझी? ओके मामा। मेरी बच्ची की एनिवर्सरी खराब करके खुद अपनी एनिवर्सरी सुकून से थोड़े ना मना पाएगी वो। मैं मनाने ही नहीं दूंगी। चल अब जा। सुबह सुबह अपने कामों में लगी होगी वो, होश ही नहीं होगा कि उसका फोन पड़ा कहाँ है, समझी? मॉम, मैसेज का कोई जवाब आया? नहीं अनमोल, अब तक नहीं आया। मुझे तो लग रहा है कि मैं ऐसे किसी को बुला ही नहीं पाऊंगी। You know what? मुझे तो ना ये सब फ्लॉप होते हुए दिख रहा है। सही कह रही है पियो, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये प्लान पक्का फ्लॉप हो जाएगा। मुझे ना मैसेज करने की जगह सबको फोन करके बुलाना चाहिए। मॉम, ये तो आपकी फोन की मैसेज सुन है, लगता है मैसेज आ गया। ऐसे कैसे? मेरा फोन तो कमरे में था, फिर आवाज यहाँ पे। रुक मैं लेकर आती हूँ। दीदी, वो आपका फोन बज रहा था, शायद कोई मैसेज आया है। ये लीजिए अपना फोन। वाह, इतने सारे लाइक्स आ गए। लो मॉम, मैं देखता हूँ। सॉरी मिसेज अग्रवाल, मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। हरीश, नहीं आ पाऊंगा? ऐसे कैसे? लो, सारी मेहनत बेकार गई। कहते हैं ना, पहला कदम रखते ही अगर पैर गड्ढे में पड़ जाए तो मुंह के बल गिरने का खतरा रहता है और आगे की यात्रा के लिए डर मन में मजबूत घर बना लेता है। और ये तो वैसे भी प्रतिभा है, डर से इसका पुराना रिश्ता है। आगे ये कभी कोई और पार्टी प्लान करेगी ही नहीं, या करेगी? हेलो हरीश जी। नहीं, मैं उनकी वाइफ मिसेस चावला बोल रही हूँ। ओह ओह, मिसेस चावला, मैं मिसेस अग्रवाल बोल रही हूँ जी। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी बोलिए जी। बात ये थी कि मैं वाओ, ये तो महेंद्र भैया के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज होगा। थैंक यू। एक काम करती हूँ मैं, आपको ना वॉइस चैट के ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ। क्या? फिर आप सबको इजीली कांटेक्ट कर पाएंगी। वाइफ्स चैट ग्रुप में ऐड करेंगी?
ठीक है। थैंक्स फॉर इनविटेशन, हम लोग जरूर आएंगे। महीन भी आप लोगों को पार्टी में मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। आप लोग प्लीज आइएगा जरूर। हाँ ओके, नमस्ते। नमस्ते, मैं इंतजार करूंगी। अनमोल, प्लान सक्सेसफुल हो गया। मॉम, यू रियली डिड इट। अगर मैं होता ना तो हार ही मान लेता। हाँ अनमोल, शायद मैं भी यही करती। अनमोल, पता नहीं इस बार अपने आप कैसे हो गया मुझसे, बस हो गया। आप कौन हो मॉम? आई एम लविंग इट। तू वो सब छोड़, तू अभी मुझसे प्रॉमिस कर कि तू मेरी मदद करेगा कि ये वाइफ्स चैट ग्रुप का मेंबर कैसे बनना है और बाकी के बैचमेट्स को इनवाइट भेजने में, करेगा ना? अभी लो, मैं फोन दो, मैं अभी सिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। हाँ। छोटी छोटी खुशियाँ और प्यार ही चाहिए प्रतिभा को अपना हौसला और पुरानी हिम्मत वापस पाने के लिए, और ये जादू असर कर रहा है। ऐसी ही तो थी ये हमेशा प्रतिभा, अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाने वाली, और आज भी इसने वो कर लिया, पता नहीं कैसे। भाभी, ये सब कैसे होगा? इतना आसान नहीं है। आप लोगों की एनिवर्सरी सिर्फ एक दिन दूर है, इतनी सारी प्रिपरेशंस करनी है। भाभी, आप एक बार दोबारा से क्यों नहीं सोच लेती? संजीव, मैं जानती हूँ कि बहुत कम वक्त है हमारे पास, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। हम मिलके कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। देखो, मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या सोच के रखा है। ये यहाँ पे ना, हम वो बड़ा वाला स्क्रीन लगाएंगे, हम फ्लावर से डेकोरेट कर देंगे, क्या बोलते हो? भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ऐसा ही करवाऊंगा। आई एम लविंग इट मॉम। भाभी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो भूल ही गए, खाने का क्या करेंगे? खाना? संजीव, मैंने सोचा है कि इस बार क्यों ना केटरर्स को बुलाया जाए। सच में? वो क्या है ना संजीव, जब मेरे मम्मी पापा की 25th वेडिंग एनिवर्सरी हुई थी, वो हम लोगों ने बहुत बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइज की थी, और उस वक्त हमने केटरर्स को ही बुलवाया था, तो बहुत आसानी से सब कुछ हो गया था। इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार उन्हें ही बुलाया जाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, वो मैं ही मैनेज कर लूंगी। बहुत साल पहले ही सही, लेकिन ये सब मैंने किया हुआ है संजीव। भाभी, अगर आप बोलेंगी तो मैं सुनीति को बोल देता हूँ, वो आपके फूड मेन्यू में हेल्प कर देगी। हाँ हाँ, वो ठीक रहेगा। भाभी, वैसे लोग कितने आ रहे हैं? एक मिनट, ये 50 लोग। 50 लोग? हाँ, इतने तो हैं संजीव। फिर तो बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हो जाएगा ना? किसी को प्रतिभा की बात का यकीन ही नहीं हो रहा है, पर यही तो है प्रतिभा की असली प्रतिभा, थोड़ा कुरेदा और बाहर आ गई। हो जाएगा संजीव। बोला था ना, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। पर हुआ क्या, मुझे बताओ तो बेबो, तुम ऐसे नाराज होती हो ना तो मेरा दिल बहुत दुखता है। बस बेबो, तुम्हें तो मेरी परवाही नहीं है, परवाह है तो अपने उस भाभी की। अरे ऐसा हो सकता है क्या? अरे बेचारी भाभी पहली बार इतने बड़े स्केल पे पार्टी प्लान कर रही है, मैं तो बस उनकी छोटी मोटी मदद कर रहा हूँ, बस। तो एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही कि तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो, ताकि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, और मुझे ऐसा ना लगे कि जैसे मुझे साइडलाइन किया गया, जैसे कि तुमने किया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है बेबो, मुझे लगा तुम बुटीक में बिजी हो, वरना मैं तो तुम्हें... बताओ ना बेबी, तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो, बताओ ना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तुम पक्का किसी को बताओगी तो नहीं ना? तो सुनो, ये जरूर कुछ अपने दिमाग में पका रही है, चेहरा तो देखो इसका,
जरूर कुछ बड़ा करेगी। सावधान रह प्रतिभा, बहुत चौकन्ना रहना होगा तुझे। वहाँ पे केक कटेगा, सब लोग ताली बजाएंगे, वाह क्या मजा आएगा। उससे मुझे याद आया कि केटर का आने का टाइम हो गया। बेबू तुम कितनी बातें करती हो, मैं अभी आया। भैया भैया जल्दी चलिए। हाँ आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। ऐसी क्या जल्दी है संजीव? भैया आज मैं आपके साथ में चलूंगा, लिफ्ट चाहिए, चलिए। चलो चलो चलो। आज शाम को जल्दी आ जाइएगा। हाँ कोशिश करता हूँ। और कितनी देर देखना और बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे? मम्मी जी रिलैक्स रिलैक्स कीजिए। मम्मी जी मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। बुबू बुबू बेटा जाओ जाके बड़ी मम्मा से खाना ले लो, जाओ गो। ये रहा हमारा कॉन्टिनेंटल मेनू, चाइनीज पंजाबी और मुगलाई। आपको जो भी आइटम पसंद हो ना मैडम बता दीजिए, मैं नोट कर देता हूँ। जी बड़ी माँ खाना। बेटा बस दो मिनट, मैं जरा ये देख लूँ, दो मिनट। बड़ी माँ अभी खाना है? अभी चाहिए? अच्छा ठीक है। भाई साहब आप दो मिनट रुकिए, मैं बच्चे को खाना खिला के आती हूँ। कोई बात नहीं, चलो आओ आज इधर आ। दीदी आप रिलैक्स कीजिए। दीदी मैं हूँ ना, मैं मदद कर देती हूँ आपकी मेनू चूज करने में, और वैसे भी मैं तो किटी पार्टीज ऑर्गेनाइज करती ही रहती हूँ ना। हाँ ये सही रहेगा। अब सुनिधि तुम यहाँ का संभालो, मैं बुबू को खाना खिलाकर आती हूँ। ओके दीदी। मैम हमारा मेनू आपको शायद थोड़ा महंगा लगे, आप चाहे तो डेजर्ट निकाल सकते हो और चाहे तो रख भी सकते हो, बस थोड़ा सा बजट बढ़ जाएगा। आप आइटम चेक कर लीजिए, मुझे बता दीजिए आपको कौन से आइटम पसंद है, मैं नोट कर देता हूँ। एक मिनट भूख लगी है दीदी, डेजर्ट से ना बजट बहुत बढ़ रहा है, तो अगर आप कहें तो एक ही चीज ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं हाँ यही ठीक रहेगा सुनीति, वैसे भी अगर किसी चीज की कमी हुई तो घर पे बना लेंगे। राइट मैं भी यही सोच रही थी, तो मैं एक ही चीज ऑर्डर कर दूँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। ओके दीदी। पूछ ले एक बार प्रतिभा, कंफर्म कर ले कि फाइनली क्या ऑर्डर कर रही है तेरी देवरानी। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। अरे कोई बात नहीं, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, हमें सिर्फ डेसर्ट्स चाहिए। सिर्फ डेसर्ट? जी हाँ। आप एक बार मालकिन मैडम से तो पूछ लीजिए। व्हाट? मैंने अभी आपके सामने ही तो पूछा ना। एनीवे दीदी मैंने अभी आपसे पूछा ना कि हम लोग एक ही डेजर्ट ऑर्डर कर रहे हैं, आप जरा फिर से कह दीजिए, इन्हें विश्वास नहीं हो रहा। हाँ हाँ भाई साहब वो बजट थोड़ा लिमिटेड है ना, इसलिए एक ही आइटम ऑर्डर करें। जी मैम कोई बात नहीं, अब तो विश्वास हो गया ना आपको। ओके। प्रतिभा ये तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है, फाइनल ऑर्डर तुम्हें देना चाहिए था। क्या किया तुमने ये प्रतिभा, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। सुनिधि पर फिर एक बार भरोसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यस हाँ हाँ भाई साहब मेरा फोन ठीक हुआ कि नहीं? ठीक हो गया। और तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही हैं। ओह गॉड थैंक यू सो मच भाई साहब। एक हीरोइन एक हीरो और एक ग्रैंड पार्टी। हीरो हीरोइन को साथ में देखकर लोग खुशी से तालियां बजाते हैं। अचानक एक तेज आवाज आती है, ठहरो झूठी है ये, इसका एक लवर है, एक गैर आदमी के साथ नाजायज रिश्ता है इसका। हीरो परेशान है, लोग हैरान हैं, फिर आती है एक सेंसेशनल फोटो। हीरोइन और उसका लवर, हीरो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पार्टी में मौजूद सभी लोग चिल्लाते हैं बेशरम बेहया। हीरोइन अपना मुंह छुपाकर भाग जाना चाहती है,
मगर जाए भी तो जाए कहाँ? कोई जगह नहीं बचेगी दीदी मुझ पाने के लिए. You just wait and watch the game.